कोतवाल NH-19 पर मुंडकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत MVN विश्वविद्यालय के सामने बाइक सवार 35 वर्षीय व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह हाईवे पर गांव फुलवाड़ी चौक पर जाम लगा दिया। जाम लगा रहे ग्रामीणों की मांग थी कि हत्यारोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। सूचना मिलते ही DSP सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। याद रहे कि सोमवार की दोपहर बाद हाईवे पर MVN विश्वविद्यालय के सामने बाइक सवार 35 वर्षीय गांव फुलवाड़ी निवासी सतेंद्र को 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 अज्ञात युवकों ने गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए। जिस संबंध में गांव फुलवाड़ी निवासी वीरेंद्र ने मुंडकटी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि सोमवार की दोपहर को वह गांव तुमसरा स्थित टोल प्लाजा पर मैनेजर से मिलकर वापस घर आ रहा था। उसी दौरान पीड़ित का चचेरा भाई सतेंद्र बाइक पर सवार होकर टोल प्लाजा की तरफ जा रहा था। सतेंद्र जब MVN विश्वविद्यालय के सामने पहुंचा तो 2 बाइकों पर 4 अज्ञात युवक आए और सतेंद्र को गोली मारकर फरार हो गए। पीड़ित भागकर अपने भाई के पास पहुंचा और एम्बुलेंस में डालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आया, जहां चिकित्सकों ने सतेंद्र को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि सतेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सतेंद्र की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह हाईवे पर गांव फुलवाड़ी चौक पर जाम लगा दिया और अस्पताल में जमकर बवाल किया। जाम की सूचना मिलते ही DSP सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और DSP यशपाल खटाना अस्पताल पहुंच गए। सतेंद्र की हत्या की सूचना मिलते ही हथीन विधायक प्रवीण डागर व पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मृतक सतेंद्र के परिजनों को आश्वासन दिया कि हत्यारोपियों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। तब जाकर परिजन सतेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। पुलिस ने सतेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पेट्रोल के पास गोली चलने से एक लड़के की मौत हो गई थी, जो फुलवाड़ी का लड़का, अब वो ब्लाइंड मर्डर है। उसने कल पर्चा दर्ज कर दिया, तो पोस्टमार्टम उसका चल रहा है। इसी मांग को लेकर भी जल्दी गिरफ्तारी के मांग के लेके एग्जाम में आ गया, तो उनको आश्वासन दे दिया, 3 दिन का टाइम दिया लोगों ने, फिर 3 दिन में आश्वासन दिया, 3 दिन में गिरफ्तार। वाहन की तो कोई गिनती नहीं है, हाईवे है यहाँ, वाहन तो होता ही है, कोई गिनती तक एग्जैक्ट होती नहीं है कितने वाहन नहीं कर रहे हैं, ब्लाइंड मर्डर है, कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन का टाइम दिया, जल्दी गिरफ्तार कर देंगे उनको।